हेलो दोस्तों, एवेलिन एनिग्मा में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, 31 अक्टूबर को हेलोवीन डे मनाया जाता है, लेकिन दोस्तों क्या आपको पता है कि आखिर हेलोवीन डे क्यों मनाते हैं? लोग अलग अलग हॉन्टेड ड्रेस पहनकर क्यों घूमते हैं? घरों के बाहर जाकर बच्चे ट्रिक और ट्रीट क्यों करते हैं? और आखिर क्यों ये दिन एक हॉन्टेड डे के रूप में मनाया जाता है? तो चलिए जानते हैं इस हेलोवीन डे का राज। हेलोवीन, ट्रिक और ट्रीट। हेलोवीन ईसाइयों का फेस्टिवल है। इसे ज़्यादातर अमेरिका, इंग्लैंड और यूरोपियन कंट्रीज़ में मनाया जाता है। इसकी शुरुआत आयरलैंड और स्कॉटलैंड से हुई थी। दोस्तों, यूँ तो क्रिश्चियंस के कई त्यौहार हैं, उनमें से कुछ है ईस्टर, गुड फ्राइडे, क्रिसमस, और इन्हीं त्यौहारों में से एक त्यौहार का नाम आता है हेलोवीन। हेलोवीन के और भी कई नाम हैं, जैसे ऑल हेलोवीन, ऑल हेलोज, ऑल सैंड डे। ये डे सेल्टिक कैलेंडर का आखिरी दिन होता है। सेल्टिक लोग एक मूर्ति पूजक ईसाई है जो कि पहले यूरोप में ही रहते थे, पर अब ये लोग ब्रिटेन जैसे कई देशों में पाए जाते हैं। हेलोवीन 31 अक्टूबर यानी अक्टूबर के महीने के आखिरी दिन मनाया जाता है। आइए जानते हैं हेलोवीन की हिस्ट्री के बारे में। आज से करीब 2000 साल पहले एक फेमस रिलीजियस फेस्टिवल जिसका नाम था ऑल सेंट्स डे, जो कि पूरी उत्तरी यूरोप में 1 नवंबर को मनाया जाता था। कहा जाता है कि गैलिक परंपराओं को मानने वाले लोग सैमहेन को मानते हैं। कहते हैं कि इस दिन से ठंड भी शुरू हो जाती है। इन लोगों का ये भी मानना है कि इस दिन मरे हुए लोगों की सोल उठती है और लोगों के लिए परेशानी पैदा कर देती है। तो जितनी भी आत्माएं इस दिन उठती हैं, उनमें से बुरे सोल हटाने के लिए या उन्हें भगाने के लिए छोटे बच्चे डरावने गेटअप करते हैं, जिससे बुरे सोल भाग जाएं। अब इसमें बड़े लोग भी शामिल हो गए हैं, वो भी डरावने गेटअप करते हैं। हेलोवीन में लोग कॉस्ट्यूम पहनकर पार्टीज करना, प्रैंक करना, हॉन्टेड मूवी देखना और भी कई एंजॉयमेंट भरे काम करते हैं। लोग इस दिन अपने घर को हॉन्टेड बनाते हैं और इस तरह सजाते हैं जैसे कि कोई भूतिया घर लगे। इस दिन लोग अपने घर के बाहर पम्पकिन के अंदर कैंडल जलाते हैं। इस त्यौहार में सड़कों पे रात रात भर बड़ी रौनक रहती है। लोग अक्सर हॉन्टेड प्लेसेस या फिर एक दूसरे के घर विजिट करते हैं। इस दिन सारे लोग हॉन्टेड ड्रेस पहनकर घूमते हैं। बहुत से लोग इस दिन अपने घर पर हॉन्टेड पार्टीज रखते हैं। उसमें पोटैटो पैनकेक्स जैसे कई केक्स और एप्पल्स खाते हैं। कई लोग चर्च में जाकर कैंडल जलाते हैं और कुछ लोग मरे हुए लोगों की ग्रेव्स पर कैंडल जलाते हैं। बच्चे ग्रुप्स बनाकर हॉन्टेड ड्रेस पहनकर सब लोगों के घर विजिट करते हैं और बोलते हैं ट्रिक और ट्रीट। ट्रीट का मतलब होता है वो ऑनर से कह रहे होते हैं कि हमें कैंडीज या फिर पैसे दो, और ट्रिक का मतलब होता है कि अगर उन्होंने पैसे नहीं दिए तो वो कुछ ना कुछ शैतानी करेंगे जिससे घर का हाल बुरा हो जाएगा। इनमें से कई घर के ओनर्स घर के बाहर एक पाउच लगा देते हैं और उसमें कैंडीज रख देते हैं, जिससे कि जो भी बच्चा हॉन्टेड ड्रेस में आए वो सीधा कैंडीज लेके चला जाए। दोस्तों, आज की डेट में हेलोवीन एक मस्ती और हंसी खुशी का त्यौहार बन चुका है, क्योंकि इसमें सब धर्म के लोग हिस्सा लेने लग गए हैं। सब लोग हॉन्टेड ड्रेस पहनकर हेलोवीन की तैयारियां करते हैं और इस दिन एंजॉय करते हैं। लेकिन आज से पहले ऐसा नहीं था। कुछ साल पहले ईसाई ही इस हेलोवीन डे को मनाते थे। दोस्तों, आपको क्या लगता है, हमारे आसपास भी हेलोवीन डे बनना चाहिए? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।